कह रहे हो लखन, स्प्रिंकलर वाला फैन ऐसे आएगा, स्प्रिंकलर घूमेंगे और किसान के खेतों की फसल लहराएगी, बदल के रख देंगे हम कटरिया विधानसभा को, किसान की जिंदगी बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए चलाती है। पानी, बिजली, सड़क, 1.5 लाख किलोमीटर सड़क हमने बना दी। आजकल कांग्रेस का एक विज्ञापन आता है टेलीविजन पे, मैं उस पर कई बार टिप्पणी करता हूँ, उसमें कुछ कलाकार बुलाए उन्हें और मुंह बना बना के उनसे कहलवाया, गुस्सा आता है, देखा कि नहीं आपने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीछे तक दिल से बताना, आपको भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा आता है क्या? गुस्सा किसको आता है? कांग्रेस, कांग्रेसियों को। और गुस्सा किस लिए आता है? इसलिए कि उन्हें गड्ढों का प्रदेश दिया, हमने 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी, तो उनकी मन में जलन पैदा होती है, इसलिए उनको गुस्सा आता है। उन्हें अंधेरों का प्रदेश दिया, गरीब बहनों और भाइयों हर घर में कनेक्शन देके तुम्हारी घर को भी रोशन कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस को गुस्सा आता है, उन्होंने सिंचाई का एक बांध नहीं बनाया। अरे सिंचाई की अकेली योजना ऐसी है कि जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इस पूरे विधानसभा के क्षेत्र में 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, उनको गुस्सा आता है। आजकल किसानों की बात कर रहे हैं, वचन पत्र निकालना है, कभी वचन निभाया भैया? अरे वचन देके और वचन भंग करना, ये कांग्रेस की आदत है। किसान भाइयों सुन लेना, कांग्रेस ने 0% ब्याज पर कर्जा दिया, कभी दिया क्या हमने? 18% वो 18% ब्याज पर कर्जा देते थे, हमने 0 कर दिया। और आज मुझे जरा दिल से बताना, परके की परके साल के गेहूं का 200 रुपया पर किसान, इस साल 265 रुपया क्विंटल इस साल डाला, गेहूं 2000 रुपया क्विंटल बिकवाया, बता कांग्रेस से इतना पैसा दिया था क्या? और आगे भी चिंता मत करना, अगले साल का रेट